तो दोस्तों आज कंफर्म करने वाले हैं इस गाड़ी के अंदर, देखिए एक लाइट जल रही है बस रेड कलर में, ठीक है, एंड यहाँ फ्यूल की जो लाइट है ये ब्लिंक हो रही है। तो आज कंफर्म करेंगे इसके अंदर कितना फ्यूल अभी बचा हुआ है, ठीक है। अगर दो डंडों पे कितना होता है, तीन पे कितना होता है, वो किसी और गाड़ी में कर लेंगे, बट आज एक फ्यूल, मान लो आप हाईवे पे जा रहे हो एंड आपकी गाड़ी में से फ्यूल ब्लिंकिंग कर रहा है, एक रेड वाला डंडा आपको दिखाई दे रहा है, तो आपकी गाड़ी में इस टाइम कितना फ्यूल हो सकता है, वही चीज़ आज मैं सिस्टम लगा के कंफर्म करूँगा और आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आप कितना लीटर इसके अंदर डीजल मिलेगा, यानी सॉरी पेट्रोल मिलेगा, क्योंकि ये मैग्नेट गाड़ी है, और इसमें आपको कंफर्म हो जाएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि हाँ अभी ये ब्लिंक कर रही है तो इतने लीटर इसमें फ्यूल मिलेगा। दूसरी चीज़ फिर आप उसको एवरेज से भी कंपेयर कर सकते हो कि मान लो अगर मेरी गाड़ी सपोज दैट अगर 10 का एवरेज देती है तो मान लो 3 लीटर अगर फ्यूल अभी मिलता है तो 30 किलोमीटर तो चली ही जाएगी। तो अभी सिस्टम लगा के देखते हैं ऑन करके। सिस्टम मैंने इसमें लगा लिया है एंड अभी हम चलेंगे प्रॉपर इसमें देखेंगे, ठीक है। तो अभी क्या है फ्रेंड्स, यहाँ समझने वाली बात है, ये जो ब्लिंक कर रही है, ठीक है, ब्लिंक करने का मतलब है कि इसका जो लेवल होता है, मान लो ये फ्यूल की लाइन है तो इस फ्यूल की रेंज जो होती है, सपोज दैट एक बिंदु के अंदर 5 लीटर पेट्रोल है, ठीक है, अगर उससे भी कम हो जाता है तो ये लाइट ब्लिंक करने लगती है, ठीक है, इससे ऊपर हो जाएगा तो ये लाइट ब्लिंक नहीं करेगी, ठीक है। तो अभी सिस्टम में हम चेक करते हैं ये चीज़ कंफर्म करने के लिए कि कितना फ्यूल अभी इस गाड़ी के अंदर है, ठीक है। अभी सिंपली हमें कुछ नहीं करना, सिस्टम पे चेक करना है, वैसे अलग से नहीं पता चल सकता। बहुत से लोग कहते हैं कि सर बिना सिस्टम के पता चल सकता है कि नहीं चल सकता, तो वैसे अलग से नहीं पता चल पाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। या तो फिर आप बिल्कुल टैंक खाली करके पेट्रोल पंप वाले के पास जाइए एंड उससे लेके डालो, फिर वो पता कर सकते हैं कि इतना पेट्रोल डाला है इतनी चलेगी, ठीक है। तो अभी हमें करना क्या है, क्योंकि हमें चेक करना है क्लस्टर मीटर के अंदर जो लाइट ब्लिंक कर रही है या एक लाइट जो दिखाई दे रहा है फ्यूल वाला, अभी हमें सीधा इसके क्लस्टर मीटर के अंदर ही जाना है, ठीक है। क्लस्टर में गए एंड यहाँ पर ऊपर डाटा मॉनिटर लिखा रहता है, मैं वैल्यू लेता रहता हूँ ना, बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने आपको दिखाया है। तो यहाँ पर देखिए इसमें ये लिखा हुआ है फ्यूल लेवल डिस्प्लेड, ठीक है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर ना इसके जो इसके अंदर अभी गाड़ी के अंदर पेट्रोल है वो इसके अंदर दिखाई दे जाएगा, बता देगा, ठीक है। अभी ये यहाँ पर दिखा रहा है, देखिए फ्यूल लेवल डिस्प्लेड 4 लीटर, मतलब गाड़ी के अंदर अभी 4 लीटर पेट्रोल है, ठीक है। एंड हम मान सकते हैं अगर ये लाइट ब्लिंक नहीं कर रही और ये एक लाइट जल रही है तो गाड़ी के एक बिंदु पे 5 लीटर पेट्रोल होता है, मान सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफर्म हो गया, मान लो आपकी गाड़ी 20 का भी एवरेज दे रही है। अभी मैं इस पर क्लिक करके देख लेता हूँ इस पर एवरेज कितना निकाल रहे हैं हमारे कस्टमर साहब, ठीक है। तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, एवरेज सब 0 का रखा है। सपोज दैट मान लो 15 का एवरेज ये हाईवे पे भी देती है गाड़ी, या सिटी में 10 से 12 का देती है, ठीक है। तो 12 का आप 10 किलोमीटर का ही ले लो तो 4 लीटर पेट्रोल है, 40 किलोमीटर गाड़ी बिल्कुल चलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही था इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो थी, मुझे लगा आपको बताना चाहिए। आप बहुत से लोग घबरा जाते हैं कि लाइट ब्लिंक हो गई है, पेट्रोल पंप ढूंढने लगते हैं, तो इससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि एक बिंदु पे 3 से 4 लीटर पेट्रोल होता है और आप 20 से 30 किलोमीटर जा सकते हैं फ्रेंड्स। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताना, चैनल को लाइक करने के लिए, वीडियोज़ को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।